ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, पोर्ट्स और शिपिंग इस विभाग के मंत्री जिनकी मेजबानी में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सम्माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, गुजरात के जनप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्रीपाद नाइक जी, आदरणीय शांतनु ठाकुर जी, आदरणीय मंजीपारा महेंद्र भाई, मेरे सहयोगी महाराष्ट्र सरकार के पोर्ट्स मिनिस्टर संजय बंसोड़े जी, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, श्री टी के रामचंद्रन जी, मंचासीन सभी महानुभाव और इस ग्लोबल समिट के लिए यहाँ पर पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मैरिटाइम समिट के लिए आपने महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हम सभी के चहेते छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके 350th कोरोनेशन ईयर उनका ये चल रहा है। 350 साल छत्रपति की पदवी उन्होंने धारण करने का ये साल है और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत की मैरिटाइम पावर और कैपेसिटी को समझा था और कान्होजी आंग्रे जैसे एक सरदार ने इस देश की मैरिटाइम पावर को समझकर इस प्रकार की नौसेना का गठन किया था कि जिसके कारण उस समय एक महत्वपूर्ण मैरिटाइम पावर के रूप में महाराष्ट्र को और भारत को देखा जाता था। और भारत का मैरिटाइम इतिहास ये तो बहुत ही पुराना है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब हरप्पन संस्कृति थी उस समय भी भारत अपनी मैरिटाइम कैपेसिटी को विकसित करके अन्य देशों के साथ और विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार करता था। उसी भारत की ताकत को फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से पोर्ट्स और साथ साथ हमारे पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए और भारत को जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उस ब्लू इकोनॉमी को और समृद्ध करने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार की, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसके कारण भारत फिर एक बार मैरिटाइम के क्षेत्र में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। सागरमाला जैसी योजनाएं हो, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी हो,
भारत को सप्लाई चेन का पार्ट बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से हमारे समझौते जो हुए हैं उसका अगर हम विचार करें तो एक प्रकार से भारत आज दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बना है और प्रधानमंत्री जी इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये भारत की मैरिटाइम कैपेसिटी अदा करेगी। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय 2023 में ये ग्लोबल मैरिटाइम समिट भारत में महाराष्ट्र में होना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक महाराष्ट्र की मैं बात करूं, हम सभी जानते हैं कि देश का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट ये महाराष्ट्र में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है और अब महाराष्ट्र में हम लोग नया पोर्ट तैयार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सोनोवाल जी की अगुवाई में हम वाढ़वण में एक नया पोर्ट करेंगे जो जेएनपीटी से 3 गुना बड़ा होगा, 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट का पोर्ट होगा और दुनिया का जो सबसे बड़ी वेसल है उसको भी हम केटर कर पाएंगे। इतना बड़ा पोर्ट अब हम लोग यहां पर तैयार कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के साथ काम करते हुए इस पोर्ट के निर्माण में सारी बाधाएं अभी दूर हुई है और अब हम लोग वहां की जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको साथ में लेकर, वहां के भूमिपुत्रों को साथ में लेकर इसका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। आज जिस प्रकार से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने भी अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वहां मरीना बनाने की बात हो या वहां पर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसको डेवलप करने की बात हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं तैयार हो रही है। विशेष रूप से मैं ये मानता हूं कि अब भारत में शिप बिल्डिंग की बहुत संभावनाएं तैयार हो रही है। चाइना और कोरिया के बाद और जापान के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि शिप बिल्डिंग में सबसे बड़ी संभावना अगर कहीं है तो भारत में है। और महाराष्ट्र में हमने हमारी नई शिपिंग और पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की है जिसके अंदर शिप बिल्डिंग हो, शिप ब्रेकिंग हो या इस प्रकार की एलाइड जितनी एक्टिविटीज है, बिजनेसेस है, इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने का काम हमारी पॉलिसी करती है। इसमें हम इंसेंटिव्स भी देते हैं, इसमें हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमने तैयार किया है और मेरा विश्वास है कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स आज शिप बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं उनके लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अवसर आज हमको यहां पर दिखाई देता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि माजगांव डॉक जैसी हमारी जो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है आज स्टेट ऑफ आर्ट वॉरशिप्स वहां तैयार हो रही है, सबमरीन्स वहां तैयार हो रही है। तो एक प्रकार से जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कोई कमी आज हमारे पास नहीं है। वो ह्यूमन रिसोर्स भी है, केवल मैं ऐसा मानता हूं कि जो इन्वेस्टर्स है, जो टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, वो अगर यहां आते हैं तो मैं विश्वास के साथ उनको कहता हूं कि एक नया इकोसिस्टम हम लोग यहां पर निश्चित रूप से तैयार करेंगे। मैं आज के इस मौके पर बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, पर मैं भारत सरकार को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ये जो सारे हमारे काम हाथ में लिए हैं और विशेष रूप से पोर्टलेट डेवलपमेंट का जो मॉडल आपने हाथ में लिया हुआ है, उस मॉडल में महाराष्ट्र पूरे तरीके से आपसे साथ रहेगा। आपसे हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं, फिर एक बार आपने महाराष्ट्र को यह मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो होस्ट स्टेट होने के नाते मैंने पूरे समय यहां बैठना जरूरी था, किंतु 4:15 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में 500 स्किल सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम के बीच से मैं जाऊंगा, लेकिन हमारे पोर्ट मिनिस्टर ये पूरे समय इसमें रहेंगे।
मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।